चाहिए। ये देखें, इसके लिए एक मैंने बड़ा जार लिया है। ये देखें, ये जार कहाँ से मिलेगा? ये आम दुकानों से मिल जाता है। ये देखें, नीचे जो है उसमें थोड़ा पानी रह गया, इसलिए आप ये कपड़े पे भी फैला सकते हैं ताकि अंदर पानी ना रह जाए। पानी बिल्कुल खत्म होना चाहिए। देखें, इतनी मेचे अब काफी हमारे जार थोड़ा छोटा है, तो अब इसमें सतरोने डालते हैं। ये भी धो के रखे हैं खुश करके। ये किसी तरीके से भी आप काट सकते हैं छोटे छोटे पीस। और ये एक दिन में नहीं बनता, इसको 2-3 दिन लगेंगे। और साथ साथ मैं आपको दिखाती रहूंगी कि कब क्या करना है। ये ज्यादा ही फुल हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, सुबह तक थोड़ा हो जाएगा नीचे ना। तो अब ये मैं नमक डालने लगी हूँ। पांच टेबलस्पून और ये हल्दी है। ये टेबलस्पून भर के मेरा ख्याल 3 काफी रहेंगे, क्योंकि मैंने कभी भी नाप के चीज नहीं डाली। आप लोगों के लिए ये मैं नाप के बता रही हूँ, मैं तो अंदाजे से ही करती हूँ। तो ऐसे बंद करके थोड़ा सा इसे मिक्स करेंगे। देखें, नीचे तक चला गया सब। देखें, सब नीचे तक चला गया, नमक भी हल्दी भी। अब मैं आपको सुबह इसकी शक्ल दिखाऊंगी कि सुबह ये कैसा होता है। अब आप इसे रख देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें, कल शाम को हमने बनाया था और अब सुबह के टाइम ये ऐसे हो गया, मतलब फुल थी बोतल, तो अब ऐसे हो गया। इसको थोड़ा हमने मिक्स करना है इस तरह। इस तरह मिक्स कर दिया। ये अभी तो इसने थोड़ा पानी छोड़ा है, आगे और भी छोड़ेगा। तो ये इसी तरह रोज सुबह उठ के इसे अच्छी तरह मिक्स करना है सुबह शाम। अस्सलाम वालेकुम। ये आप तीसरे दिन की है अचार की। ये इसकी शक्ल देखें अंदर से, ये भरी हुई बोतल थी इतनी रह गई है, लेकिन अब तकरीबन तैयार भी है अचार। इसको मिक्स करना है ऐसे, मिक्स करके
ये देखें इसके नीचे जो पानी है ये ऐसे ही रहेगा। इसके अंदर आप चने डाल सकते हैं, चने साफ करके ना, मसलन धोने नहीं है, सूखे चने ही अंदर डाल दें कुछ, वो इसमें फूल जाएंगे और पानी चूस लेंगे, इस तरह वो भी मज़े के होंगे। और उसके बाद आप इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं और फिर ये आपका चार तैयार है।